हेलो फ्रेंड्स, सेट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे मुगल साम्राज्य के तहत सम्राट अकबर का पार्ट टू। तो इससे पहले पार्ट वन में हम लोगों ने कुछ प्रश्नों को देखे थे, तो हम लोगों ने 30 प्रश्नों को पार्ट वन में देखे थे। तो 31 से पार्ट टू में हम लोग प्रश्नों को देखेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक सेट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जल्दी से सेट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का अपडेट आप तक मिलता रहे। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया? औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, फिरोज शाह तुगलक। आंसर सी, अकबर। तो बादशाह जो अकबर है वो धार्मिक जो चर्चा और विचार विमर्श के लिए इबादत खाने का निर्माण का करवाया था, कब? 1575 में। तो ये जो था इबादत खाना, तो यह धार्मिक चर्चा और विचार विमर्श के लिए था, और यह जो था फतेहपुर सिकरी में था, और यह इबादत खाना में जो अध्यक्षता थे वो सैयद लोग करते थे, और शेख एवं उलेमा धार्मिक यहाँ पे चर्चा किया करते थे। और 1578 में अकबर ने सभी धर्मलंबियों के लिए इबादत खाना का द्वार खोल दिया था, और जो समस्त धार्मिक मामला है तो वो अपने हाथों में लेने के लिए अगले साल 1579 में अकबर ने मजहरनामा, तो दोनों नाम दिए गए हैं अलग अलग बुक में, तो मजहरनामा जारी किया, और यह जो था धर्म के मामले में सर्वोच्च बना दिया गया, और हर पांच उलेमाओं या इस्लामी धर्मवितों का इस पर हस्ताक्षर हुआ करते थे। तो मजहर जो है या महजर स्मिथ और इतिहासकार जो है बुलजुले हेग ने इसे अचूक आज्ञा पत्र कहा है, और मजहर जारी करने के बाद अकबर ने सुल्ताने आदिल या इमाम आदिल की उपाधि धारण की। फतेहपुर सिकरी का इबादत खाना क्या था? आंसर सी, वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारतें शाने फतेहपुर कही जाती है? बुलेन दरवाजा, तुर्की सुल्तान का महल, जम्मा मस्जिद, शाहजादी अंबर का महल। तो वो इमारत शाने फतेहपुर। आंसर सी, जामा मस्जिद। तो जो जामा मस्जिद है तो शाने फतेहपुर कहा जाता है। तो यह जो है वर्ष 1986 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया, और यह जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, और फतेहपुर सिकरी में 1571 से 1585 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रही थी। कौन? फतेहपुर सिकरी। और फतेहपुर सिकरी में मुगल वास्तुकला के स्मारक जैसे जामा मस्जिद है, बुलंद दरवाजा है, पंचमहल है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है, और यहाँ पर स्थित जामा मस्जिद को शाने फतेहपुर या शाने सिकरी के नाम से जाना जाता है। कौन सा स्मारक फतेहपुर सिकरी में नहीं है? शौर महल, पंचमहल, जोधा भाई का महल, अकबर महल। आंसर डी, अकबरी महल। तो अकबरी महल यह जो है फतेहपुर सिकरी में नहीं है, और अकबर ने आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सिकरी में 1572 ईस्वी में एक राजमहल शाह किले का निर्माण का आरंभ किया था, और यह जो है 8 वर्षों में बनकर तैयार हुआ, और एक विशाल कृत्रिम झील युक्त पहाड़ी पर बने इस किले में गुजरात और बंगाल शैलियों की कई इमारतें इसमें शामिल है, और जोधाबाई महल, पंचमहल, स्वर्ण महल अथवा सुनहला मकान, दीवाने आम, दीवाने खास, मरियम की कोठी, बीरबल कोठी आदि में प्रमुख है, और अकबरी महल जो है वो आगरा के किले में स्थित है। यह दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? कुतुब मीनार, लोदी का मकबरा, हिमाऊ का मकबरा, लाल किला। आंसर सी, हिमाऊ का मकबरा। तो यह जो है हिमाऊ की पत्नी के संरक्षण में निर्मित हुआ था, और मिरक मिर्जा ग्यास के द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया गया था, और मकबरा जो है भारतीय और फारसी वास्तुकला शैली का इसमें उदाहरण है। तो यही फारसी और वास्तुकला, भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है हिमाऊ का मकबरा। सुलह कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आंसर
बी अकबर। तो यह जो है अकबर का धार्मिक नीति का जो मूल उद्देश्य था वह था सार्वभौमिक सहिष्णुता, और इसे ही सुलह कुल की नीति अर्थात सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत भी इसे कहा जा सकता है। और अकबर ने इस्लामिक सिद्धांत के स्थान पर सुलह कुल की नीति अपनाई थी, और 1582 में उसने सभी धर्मों में संवेदन स्थापित करने के लिए तौहीद इलाही या दीन इलाही नामक एक नया पंथ या एक नया धर्म प्रवर्तित किया। और अकबर की सुलह कुल की नीति राजनीतिक उदारता और धार्मिक सहनशीलता के साथ साथ उसके उदारवादी संस्कृति दृष्टिकोण से प्रदर्शित करती है। तो वह जो तौहीद इलाही है और दीन इलाही है, तो किसी इतिहासकार ने उसे धर्म बनाया है, किसी ने बोला है उसे कि यह एक सूफी मत था। अकबर द्वारा बनाई गई सुलह कुल सार्वभौम शांति तथा भाईचारा का अवधारणा निम्नांकित में से किस पर आधारित थी? राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी संस्कृति दृष्टिकोण, उपयुक्त सभी। आंसर डी उपयुक्त सभी। तो अकबर द्वारा जो सुलह कुल सार्वभौम शांति तथा भाईचारा का अवधारणा था, तो यह राजनीतिक उदारता था, धार्मिक सहनशीलता और उदारवादी संस्कृति दृष्टिकोण भी था। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? अकबर ही। आंसर बी अकबर। तो 1580 में यह जारी हुआ था। 1580 में जौनपुर के एक धर्म गुरु ने सभी मुस्लिमों को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए फतवा जारी कर दिया था। कथन, अकबर ने 1602 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया। कारण, यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में बनवाया था। तो कथन कारण का जो भी ऑप्शन है या सही है, आरे की सही स्पष्टीकरण है या सही व्याख्यान है, तो इसमें कौन आंसर होगा? तो इसमें आंसर होगा ए सही है, परंतु आर जो है वो गलत है। तो कथन कारण के ऑप्शन से देखा जाए तो ऑप्शन सी होगा। तो इसमें क्या है कि अकबर ने जब गुजरात विजय किया 1572 से 73 ईस्वी में, तो फतेहपुर सिकरी नामक नगर की स्थापना कराई थी। और वर्ग के इतिहासकारों का मत है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में सम्राट अकबर ने सिकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण विजय स्तंभ के रूप में करवाया था, जबकि पारसी ब्राउन ने इसका निर्माण दक्षिणी विजय 1601 के उपलक्ष्य में बताया है। यदि ब्राउन का मत मान ले तो भी उत्तर सी ही होगा, यानी एक सही है और जो कारण है वो गलत है। निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, ताजमहल। आंसर ए बुलंद दरवाजा। निम्न में से किस मुगल बादशाह सम्राट शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? तो शिक्षा संबंधी, तो आंसर डी अकबर ही। तो मुगल साम्राज्य के अंतर्गत सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का विकास के साथ साथ शिक्षा संबंधी विषयों पर ध्यान दिया गया, और किसके द्वारा? तो अकबर द्वारा। और शिक्षा संबंधी महत्वपूर्ण सुधार मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया। और जो है इसके शासनकाल में से जो शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र थे वो थे अजमेर, दिल्ली, सियालकोट, मुल्तान, इलाहाबाद, मुर्शिदाबाद, और छात्रों को इसमें मुफ्त में शिक्षा दी जाती थी, और फारसी को राज्य भाषा का दर्जा प्राप्त था। और निजामी शिक्षा पद्धति तत्कालीन समय में ख्यात शिक्षा प्रणाली थी। और शिक्षा में महत्वपूर्ण सुधार करने वाला इसे ही माना जाता है मुगल शासक अकबर को ही माना जाता है। और इसका आश्चर्यजनक यह बात है कि यह खुद ही निरक्षर था, यानी अनपढ़ था। अकबर द्वारा बनाई गई सर्वोत्तम इमारतें पाई जाती है आगरा के किले में, लाहौर के किले में, इलाहाबाद के किले में, फतेहपुर सिकरी में। आंसर डी फतेहपुर सिकरी में। तो अकबर द्वारा बनाई गई सर्वश्रेष्ठतम इमारतें फतेहपुर सिकरी में स्थित है। और कौन कौन से हैं? तो इमारतों में दीवाने आम है, दीवाने खास है, कोषागार है, ज्योतिषी का बैठक है, पंचमहल है, खास महल है, तुर्की सुल्तान की कोठी है, जोधाबाई का महल है, हवा महल, मरियम की कोठी, बीरबल की कोठी आदि है। और तुर्की सुल्तान का महल इतना सुंदर है कि पर्सी ब्राउन ने उसे स्थापत्य कला का मोती कहा है। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत की नक्शा बौद्ध विहार की तरह है?
तो बौद्ध विहार की तरह पंचमहल दीवाने खास जोधाबाई और बुलंद दरवाजा। एंसर एंसर ए पंचमहल। तो पंचमहल बौद्ध विहार की तरह है। तो अकबर जो है अपनी राजधानी फतेहपुर सिकरी जो उनकी नवीन राजधानी थी तो वहाँ पे तो अनेक भवन बने थे लेकिन उसमें से पंचमहल जो है पिरामिड का आकार का पांच महलों का भवन था और यह जो था भारतीय बौद्ध विहार के अनुरूप था। और यह जो है नालंदा आदि में बने हुए जो बहुमंजिला बौद्ध विहार है तो उसी से प्रेरणा पर आधारित है। फतेहपुर सिकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था मोती महल, पंच महल, रंग महल, हीरा महल। एंसर बी वही पंच महल। तो पांच महल पिरामिड के आकार का पांच महलों का यह भवन है। जहांगीरी महल स्थित है दिल्ली, औरंगाबाद, आगरा, लाहौर। एंसर सी आगरा। तो जहांगीरी महल आगरा में स्थित है और यह जो है आगरा के किले में स्थित है और इसका निर्माण तो अकबर ने अपने पुत्र और उत्तराधिकारी सलीम के रहने हेतु या रहने के लिए करवाया था। और इस महल का जो शैली है तो अधिकतर हिंदू स्थापत्य कला शैली की ओर झुकी हुई है या उसी की तरह है। और जहांगीर महल का प्रेरणा जो है ग्वालियर के मान सिंह महल से ली गई है। अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो सिकंदरा, आगरा, औरंगाबाद और फतेहपुर। एंसर ए सिकंदरा। तो अकबर का मकबरा जो है सिकंदरा नामक एक यह जो है गांव है तो वहीं स्थित है। और सुल्तान यह जो है सिकंदर लोदी अपने नाम पर बसाया था इस गांव को और अकबर ने इसका नाम बहिस्ताबाद रख दिया था। और आगरा से 5 मील दूर पर दिल्ली जाने वाली सड़क पर यह स्थित है और इसके निर्माण का योजना अकबर ने बनवाई थी किंतु जो निर्माण है वो 1613 ईस्वी में किसने किया? जहांगीर ने करवाया। और इस मकबरे में 5 मंजिलें हैं और इसकी प्रत्येक ऊपर की मंजिल नीचे की मंजिलों से आकार में छोटी होती गई है और मकबरे की विशेषता इसका गुंबद विहीन होना है। तो इसका क्या हुआ है? तो इसका प्रत्येक ऊपर का जो मंजिल है नीचे की मंजिल से आकार में छोटी होती गई है तो यही आकर्षित करती है। निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था? दिल्ली का लाल किला, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला। तो कौन सा नहीं करवाया गया था? आंसर ए दिल्ली का लाल किला। तो दिल्ली का लाल किला का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था। तो किस कब करवाया गया था? तो यह शाहजहां के शासनकाल में कराया गया था और यह जो है चतुर्भुजाकार लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण इसे लाल किले के नाम से या कहा जाता है या प्रसिद्ध है। और इसका निर्माण जो है 1648 ईस्वी में हुआ था तो पूर्ण हो गया था उस समय। और जबकि यह जो है आगरा का किला, इलाहाबाद का किला एवं लाहौर का किला अकबर के शासनकाल में निर्मित है। सम्मिलित कीजिए बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। आंसर तो बाबर का होगा काबुल और अकबर का सिकंदरा और जहांगीर का तो लाहौर और शाहजहां का आगरा। तो शासनकाल भी हम लोग जान लेते हैं। बाबर का जो है 1526 से 1530 और अकबर का, तो अकबर का 1556 से लेकर तब तक 1605 तक था और जहांगीर का 1605 से 1627 तक था और शाहजहां का तो 1627 से, यहाँ शाहजहां का 1627 से 1658 तक था। अकबर के काल में महाभारत की फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह है? आंसर डी फैजी ने। तो फैजी के यहाँ पे निर्देशन में हुआ था। तो आगे प्रश्न आएगा किसने किया था तो उसका अलग होगा। निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर अब्दुल कादिर बदावनी, अबुल फजल, निजामुद्दीन अहमद, शेख मुबारक। आंसर इसका होगा अब्दुल कादिर बदावनी ने अनुवाद किया था और किसके निर्देशन में हुआ था? तो फैजी। तो इसके समय में ये अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। और यह जो महाभारत है तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है? तो अनवारे सुहैली, रजनामा, हसंत बहिष्ट, अय्यार दानिश। तो जो फारसी का शीर्षक है वो है रजनामा। तो
हम लोग रिपीट कर लेते हैं, तो जो महाभारत का फारसी फारसी का अनुवाद का निर्देशन किसने किया था, तो फैजी ने किया था। और इसको अनुवाद कौन किया था, तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। और इसका फारसी में अनुवाद का शीर्षक क्या था, यानी नाम क्या था, तो रजनामा। सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी, आंसर ए मोहम्मद हुसैन। तो अकबर के दरबार में प्रसिद्ध ग्रंथगताओं थे और जिनकी सूची आईने अकबरी में मिलती है, और सबसे जो प्रमुख इसमें से था तो वह कश्मीर का मोहम्मद हुसैन था, और जिसे अकबर ने क्या कह के संबोधित किया था, जरी कलम, तो उसको उपाधि अकबर ने दी थी। जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था, वह था हेमचंद हरि विजय सूरी जिनसेन उमास्वाती। आंसर बी हरि विजय सूरी। तो यह थे, क्या थे, जैन साधु थे और अकबर के दरबार में कुछ वर्ष तक यह रहे और इन्होंने जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया। और 1582 में अकबर ने जैनाचार्य को जैन सिद्धांतों को समझने की इच्छा से आहूत किया इन्हें, और इनकी विद्वानता और चिंतन तथा विनम्रता से प्रभावित होकर अकबर ने कुछ दिनों के लिए मांस भक्षण बंद कर दिया था, माने मांस खाना बंद कर दिया था, और पशु जो पक्षियों हैं तो उस पर वध पर रोक लगा दी थी। किसने, अकबर ने। मुगल दरबार में एक अन्य जो विद्वान थे वो थे जीन चंद्र सूरी, और वह थे युग प्रधान की उपाधि उनको अकबर ने प्रदान की थी, युग प्रधान। तो हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की गई थी। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था अबुल हसन दसवंत किशन दास उस्ताद मंसूर। आंसर आंसर बी दसवंत। तो दसवंत जो थे प्रसिद्ध चित्रकार थे, किसके, सम्राट अकबर के समय में। और यह जो दसवंत थे एक कहार के बेटा थे और अकबर को बहुत प्रभावित किए थे चित्रकारी में। इनका 1584 में मृत्यु हो गई थी। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था, तो समकालीन भारतीय राजा कौन था, आंसर आंसर ए अकबर। तो अकबर जो थे समकालीन थे, किसके, रानी एलिजाबेथ के। कहाँ की थी वो, इंग्लैंड की थी। जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है वह है मलिक मोहम्मद जैसी, अमीर खुसरो, रस खान, अबुल फजल। जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज की उल्लेख किया है, आंसर डी अबुल फजल। तो मुगल कालीन ये विद्वान थे अबुल फजल, और अमेरिका की खोज का उल्लेख इन्होंने किया है। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था, आंसर ए रॉयल फिच। तो यह जो है 1583 से लेकर 1591 तक कहाँ पे, तो अकबर के दरबार में कहाँ पे आए थे, तो फतेहपुर सिकरी और आगरा पहुंचे थे। यह व्यापारिक थे, व्यापार अंग्रेज व्यापारी था यह। अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, तो जाजिया का समाप्ति, इबादत खाने का निर्माण, मजहर पर हस्ताक्षर, दीन इलाही की स्थापना। तो जाजिया कर जो समाप्ति हुआ था तो वो कब हुआ था, तो 1564 में हुआ था। और इबादत खाने का निर्माण तो यह हुआ था 1575 में। और मजहर, तो मजहर की हस्ताक्षर जो हुआ था 1580 में हुआ था। और ये जो दीन इलाही है तो यह 1582 में हुआ था। तो आंसर, तो आंसर होगा 1 2 3 4, 1 2 ए बी सी डी, तो यह चारों हो जाएंगे कालक्रम अनुसार। अकबर ने बंगाल तथा बिहार के मुगल साम्राज्य में मिलाया, तो कब मिलाया था, 1590, 1575, 1576 और 1572। आंसर सी 1576 में।
तो इसमें बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था अकबर ने। और 1572 में क्या हुआ था, तो 1572 में सुलेमान कररानी ने की मृत्यु हो गई थी और उसका जो पुत्र है तो उसका दाऊद खान गद्दी पर बैठा था और दाऊद खान ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और पटना के मुगल किले पर आक्रमण कर दिया। और अकबर जो है मुनीम खां को और दाऊद पर आक्रमण करने के तथा बिहार के जीतने का आदेश दिया किसको, मुनीम खान को। और मुनीम खान ने दाऊद को युद्ध में पराजित किया और 1574 ईस्वी में बिहार पर मुगलों का आधिपत्य हो गया। और जो पराजित होने के बाद जो दाऊद थे वो कहाँ भाग गए, तो बंगाल में भाग गए। और 12 मार्च 1576 को टोडरमल ने मुजफ्फर का एवं हुसैन कुली खान ने मिलकर दाऊद को पूर्णतः पराजित किया और इस प्रकार जो है 1576 में बंगाल तथा बिहार को पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। तो यह जो है अंतिम प्रश्न था और अगला जो वीडियो होगा तो वो जहांगीर के बारे में होगा और अकबर के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा।